नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी द्रोण पुष्पी के औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। साथ ही साथ एक कार्य और करते चलें, हमने पिक्चर उसकी लगा दी है, यानी कि फोटो लगा दी है इसके थंबनेल में, जिसे देख करके आप इसके फटाफट नाम बताते चलें ताकि अन्य लोग जो देख रहे हैं वो अपने आसपास में जान सकें कि इसे किस नाम से जाना जाता है, आपके तरफ किस नाम से ये जानी जाती है आप लिख दें। अब जानते हैं सबसे पहले तो इसे पहचानने के लिए, क्योंकि ये सभी लोग नहीं पहचान पाते हैं। द्रोण पुष्पी का पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। यह 1 से 1.5 फुट तक का होता है। द्रोण का अर्थ है दोना। इसके पुष्प दोने के आकार के होते हैं। इसको गुम्मा भी कहते हैं। देखने में ऐसा लगता है मानो पौधे के ऊपर नन्हा सा गुंबद रख दिया गया हो और गुंबद में से नन्हे नन्हे पुष्प निकल रहे होते हैं। यह विषहर है, हर प्रकार के जहर का असर खत्म कर देता है। ऐसा माना जाता है कि सांप के काटने से बेहोश हुए व्यक्ति की नाक में अगर इसकी पत्तियों का रस डाल दिया जाए तो उसकी बेहोशी तक टूट जाती है। बहुत गुणकारी औषधि है। आइए जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में कि कैसे इसके स्वास्थ्य लाभ हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिख दीजिए, ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं हम सभी पहचान पाएं इसको अलग अलग नामों के साथ। सबसे पहले जानते हैं इसका उपयोग जो है खुजली में कैसे करेंगे। जी हाँ, द्रोण पुष्पी के ताजा रस को खुजली वाली जगह पर मल दीजिए, इससे राहत मिल जाएगी। खाज खुजली होने पर द्रोण पुष्पी का रस जहां पर खुजली हो वहां पर लगाने से लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि सर्प के काटने के बाद जो विष होता है उसको उतारने के लिए क्या करना है आपको ये जान लीजिए। द्रोण पुष्पी के 1 चम्मच रस में 2 काली मिर्च पीस करके मिलानी है आपको। इसकी 1 मात्रा दिन में 3 से 4 बार रोगी को पिला देना है, या रोगी की आंखों में इसके पत्तों का रस 2 से 3 बूंद रोजाना 4 से 5 बार डाल दीजिए। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसके अलावा सोंठ यानी कि सूजन में क्या करें, द्रोण पुष्पी और नीम के पत्ते के छोटे छोटे भाग को पीस करके सूजन पर गर्म गर्म लेप लगा दीजिए, इससे आराम मिलता है। इसके अलावा खांसी में भी ये बहुत गुणकारी औषधि है। द्रोण पुष्पी के 1 चम्मच रस में 1/2 चम्मच बहेड़े का चूर्ण मिला करके दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। इसके अलावा किसी को अगर सिर दर्द हो रहा है तो द्रोण पुष्पी का रस 2-2 बूंद की मात्रा में नाक के नथुनों में टपका देने चाहिए। इससे उसको फायदा ये होगा कि सिर दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा 1 से 2 काली मिर्च पीस करके माथे पर आप लेप भी लगा सकते हैं, इससे भी सिर दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा संधिवात में भी ये बहुत गुणकारी औषधि है। द्रोण पुष्पी के 1 चम्मच रस में इतना ही मात्रा में पीपल का चूर्ण मिला करके सुबह शाम लेने से संधिवात में लाभ मिलता है। इसके अलावा पीलिया रोग को ये समूल रूप से नष्ट कर देती है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्तों का रस 2-2 बूंद आंखों में हर रोज सुबह शाम कुछ समय तक लगातार डालते रहना चाहिए, इससे पीलिया रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा सर्दी में द्रोण पुष्पी का रस नाक में 2-2 बूंद डालने और उसका रस नाक से सूंघने से सर्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा बुखार की भी ये बहुत अच्छी औषधि है। 2 चम्मच द्रोण पुष्पी के रस के साथ 5 काली मिर्च का चूर्ण मिला करके रोगी को पिलाने से ज्वर यानी कि बुखार के रोग में आराम मिल जाता है। इसके अलावा श्वास और दमा रोग को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। द्रोण पुष्पी के सूखे फूल और धतूरे के फूल का छोटा सा भाग मिला करके धूम्रपान करना चाहिए, इससे दमे का दौरा रुक जाता है। धूम्रपान मतलब आपको सिगरेट नहीं पीना है, इसका सिगरेट पीना है, ये फायदेमंद होता है दमा रोगियों के लिए। इसके अलावा यकृत यानी कि जिगर के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। किसी किसी का यकृत बढ़ जाता है तो यकृत वृद्धि में द्रोण पुष्पी की जड़ का चूर्ण 1/2 चम्मच की मात्रा में 1 ग्राम पीपल के चूर्ण के साथ सुबह शाम कुछ हफ्ते तक सेवन करना चाहिए, इससे आपकी अगर यकृत में वृद्धि हो गई है तो वो दूर हो जाती है। इसके अलावा दांतों के दर्द को दूर करने के लिए भी ये एक बहुत गुणकारी औषधि है। द्रोण पुष्पी का रस समुद्र फेन शहद तथा तिल के तेल को मिला करके कान में डालने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं तथा दांतों का दर्द
ठीक हो जाता है। इसके अलावा खांसी की ये बहुत अच्छी औषधि है। 3 ग्राम द्रोण पुष्पी के रस में 3 ग्राम बहेड़े के छिलके का चूर्ण मिला करके सेवन करने से खांसी का रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके अलावा विषम ज्वर को उतारने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। गुम्मा या द्रोण पुष्पी के टहनी या पट्टी को पीस करके पुतली बना लें और उसे बाएं हाथ के नाड़ी पर कपड़ा के सहयोग से बांध दें। इससे रोगी का ज्वर बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा सूखा रोग में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। सूखा रोग खास करके छोटे बच्चों को होता है। द्रोण पुष्पी के टहनी या पत्ते को पीस करके शुद्ध घी में आग पर पका लें और ठंडा होने के बाद इस घी से बच्चे के शरीर पर मालिश करें। ऐसा करने से सूखा रोग बहुत जल्दी दूर हो जाता है। इसके अलावा सांप के काटने पर यह बहुत अच्छी औषधि है। जैसा कि वीडियो को स्टार्ट करते हुए ही हमने आपको बताया, किसी भी व्यक्ति को कितना भी जहरीला सांप क्यों न काटा हो, उसे द्रोण पुष्पी के पत्तों या टहनियों को खिलाना चाहिए या इसके 10 से 15 बूंद रस को पिला देना चाहिए। अगर व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो गुम्मा यानी कि द्रोण पुष्पी के रस निकाल करके उसके कान, मुंह और नाक के रास्ते से टपका देना चाहिए। इससे व्यक्ति अगर मरा नहीं हो तो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद उसे कुछ घंटे तक सोने नहीं देना है आपको, उसे जगा करके रखना है। इसके लिए चाहे आपको जो करना पड़े करें, लेकिन उसे सोने नहीं देना है। इसके कुछ एक हानिकारक प्रभाव भी होते हैं कुछ स्थितियों में, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जान लेते हैं, ठंडी प्रकृति वाले लोगों के लिए द्रोण पुष्पी का अधिक मात्रा में उपयोग हानिकारक होता है। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो ठंडी प्रकृति की है, गर्म प्रकृति की नहीं है, तो आप इसका उपयोग न करें। इसलिए वैद्यों की सलाह के बाद ही आपको इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हर औषधि अच्छी होती है लेकिन हर इंसान की बॉडी जो होती है वो अलग तरह की होती है। इसीलिए वैद्य की सलाह के बाद ही आप इसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होता है। इसकी मात्रा जान लीजिए कितनी होती है। लेने के लिए सही द्रोण पुष्पी के पांचांग यानी कि पांचों अंग उपयोग में आते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल। इसका चूर्ण 5 से 10 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए, रस 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में। इससे ज्यादा लेंगे आप तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी फायदेमंद होने की जगह पर। तो इस बात का ध्यान रख करके आप इसका उपयोग करें, बहुत गुणकारी औषधि है। इसका लाभ आप सभी प्राप्त कर सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स में, बिना हिचक के इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कम मात्रा में करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी के मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल है तो वो हमें लिख भेजें, ताकि हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाएं। हम आप सभी के सारे कमेंट्स आवश्यक रूप से पढ़ते हैं, कई कमेंट्स पर भी कमेंट्स लोग किए रहते हैं। ये भी देख करके खुशी होती है कि आप सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपस में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि सही हो लोगों के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि हमने द्रोण पुष्पी के बारे में कुछ एक बातें न बताई हों, हो सकता है हमें न पता हो, तो आप सभी वो जरूर बताएं ताकि दर्शकों को इस बारे में भी पता चले। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सही इंफॉर्मेशन हो, सटीक इंफॉर्मेशन हो, तो वो जरूर दुनिया तक शेयर होनी चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। इस चैनल का उद्देश्य भी हमारा यही रहा है। तो आप सभी जुड़े हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी होती है हमें कि आप सभी चैनल को इतना प्यार देते हैं, एंड तक वीडियोज को सुनते और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स के माध्यम से अपनी उपस्थिति दायर करते रहें। साथ ही साथ आप सभी वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो आपके चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि वो फिट रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि इन चीज़ों में ये मददगार होती हैं औषधियाँ। हमारा खाने पीने का तरीका हमारी सफलता से लेकर के हमारी शारीरिक स्वास्थ्य तक को सही रखती है। पूरे जीवन को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी चीज़ों के उपयोग के बारे में जानें, और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है। तो ये आज का एपिसोड रहा, अब मिलेंगे आप सभी से नए एपिसोड में। लेकिन आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब नई वीडियो लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।